आज हमारा विषय है देह के प्रकार, आभा मंडल, लेश्या और उत्क्रांति। आपके सर्वांगीण जीवन दर्शन के ये चार अध्याय है मेन कोर्स बुक के। हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ नेहा बिन के साथ साथ ऑरा के जानकार डॉक्टर एस के परमार साहब भी जुड़ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम दो वक्ताओं का लाभ लेंगे। नेहा मैम जैन दर्शन विज्ञान की एक्सपर्ट हैं और जैन दर्शन में इस पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है इन विषयों पर। तो वो होगा स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल साइंस एंड फिलोसफी, और दूसरा प्रेजेंटेशन हमारे डॉक्टर एस के परमार सर लेंगे, वो होगा फिजिक्स के आधार पर, यानी साइंस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल साइंस और फिजिक्स। तो चलिए मैं बगैर कुछ समय नष्ट किए आमंत्रित करता हूँ नेहा बेन जी, आपका स्वागत है, सूत्र संभालिए और शुरुआत कीजिए। थैंक यू, वेलकम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शुरुआत तो आज ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है ना हमारी भगवद गीता से कि अतृप्त इच्छाएं, इससे क्या होता है, अतृप्त इच्छाओं अगर पूरी ना हो तो हमारा कितना पतन हो सकता है। भव भव तक वो पतन हमारे साथ चलता ही रहता है। तो ये भव भव जो पतन है वो चलता कैसे रहता है, क्योंकि जब शरीर मर जाता है उस शरीर को या तो जलाया जाता है या तो उसको दफन कर दिया जाता है, तो फिर ये जो अतृप्त इच्छा है वो कैसे हमारे साथ चलती है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे, मतलब एक भाव से दूसरे भाव तक चलती है। तो उसका रीजन है कि हमारा जो शरीर है वो तीन प्रकार के शरीर बताए गए हैं ना, कोई जैन दर्शन हो या बाकी कोई भी धर्म हो, अलग अलग तरीके से इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो जो मरता है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु होता है वो स्थूल देह होता है, जो माता के गर्भ में आकार लेता है और जो बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, सारी अपनी दैहिक क्रियाएं करता है जिसे हम देख पाते हैं, आंख नाक कान मुंह ये चलता फिरता पुर्जा, वो होता है स्थूल देह। और जब जो जन्म लेता है वो भी स्थूल देह है, जो मृत्यु पाम जिसकी मृत्यु होती है वो भी स्थूल देह है। तो किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब उसका मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब जो है वो नष्ट हो जाता है। तो जो स्थूल देह है वो मरता है, लेकिन उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है, उसके साथ जो उसका बाकी का जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ उसका जो कारण शरीर है वो उसके साथ ही चलता रहता है। अब बिना आहार के ये जो स्थूल देह है वो बिना आहार के चल नहीं सकता, और हमने आगे के सेशंस में ये चर्चा ऑलरेडी कर दी है कि मन का आहार क्या होता है, कि क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या ये सब जो है ये सब हमारे मन का आहार है। मन को यही सब कुछ चाहिए, वो फ्री कभी बैठना नहीं चाहता। इसीलिए जब आदत होती है ना, जब भी कोई फ्री बैठे हो तब हम गॉसिप्स करने बैठ जाते हैं, क्योंकि मन को भी कुछ ना कुछ खुराक चाहिए। सो एट द टाइम दादाजी क्या बताते हैं कि मन को अगर खुराक चाहिए तो आत्मा के गुणों की भजना करने की खुराक दो। दूसरों की निंदा करना या दूसरों की बुराई करने से बेटर है कि आत्मा को, आत्मा के गुणों की हमें उसको खुराक देनी चाहिए। तो बिना आहार के जो जीव है उस वो थोड़ा भी जी नहीं सकता, उसे कंटिन्यूस कुछ ने कुछ आहार चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है स्थूल देह की। जो शरीर हमें दिख रहा है वो है स्थूल देह, जो जन्म लेता है जिसकी मृत्यु होती है वही है स्थूल देह। दूसरा जो शरीर है, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट शरीर है वो है तेजस देह। तेजस देह यानी उसको सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, जो अनंत कालों से हमारे साथ चला आ रहा है। अब वो इतना सूक्ष्म है, जैसे वो बोलते हैं कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते, वैसे ही ये जो तेजस शरीर है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है
कि वो हम देख ही नहीं पाते और एक्चुअली हमें पता भी नहीं होता कि सूक्ष्म शरीर करके कुछ है, तो इसी वजह से उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, तेजस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और ये जो तेजस शरीर है ना, वो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ होता है, वहीं से सारे जो सारे शरीर की जो क्रिया है, शरीर का जो संचालन है, वो वहीं से होता है तेजस देह की वजह से ना। जब हम झूले में बैठते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कुछ जैसे पेट में बुलबुले उठ रहे हो या गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा होता है, तो ये होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर जो है वो सारी भावनाओं को जनरेट करती है, तेजस शरीर जो है वो सारी चीजों को हमें रियलाइज करवाती है, क्योंकि ये नाभि से जुड़ी है, ये भावना से जुड़ी है, पूरे शरीर में उसका व्याप है। ये तेजस शरीर सिर्फ एक जगह पर नहीं है, लेकिन पूरे शरीर में बैठी हुई है, और जो आहार शरीर लेता है उस आहार को पचाकर उसमें ये जो एनर्जी यूज होती है वो तेजस शरीर का कार्य है। अब किसी भी कारणवश हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे डिजीजेस है, किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम कम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी कर्म के वश पाचन शक्ति अगर कमजोर होती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा भी कम रहती है। अब ये सारी जो स्थूल देह है उसके अंदर ये जो तेजस शरीर है और उसी से ये जो आभा है, ये ऑरा है, ये लेशिया है, वो उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हमें परमार सर पीछे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो तेजस शरीर सारे कार्य करती है और बाहर का शरीर जो होता है वो उसका प्रतिभाव देता है। यदि हमारा जो स्थूल शरीर है वो प्रतिभाव ना दे पाए, उसको रिएक्ट ना कर पाए, तो स्थूल शरीर कमजोर पड़ जाता है। जैसे एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड इज द मेन ब्रेन कहा जाता है, है ना। तो सीपीयू इज द ब्रेन, मदरबोर्ड नहीं हो तो सीपीयू भी नहीं चलेगा, और सीपीयू अगर नहीं है तो स्क्रीन भी नहीं चलेगी। सो तेजस शरीर जो है वो इट इज द मेन कॉज, क्यों सारे शरीर का नियंत्रण करता है, उसको चलाता है, लेकिन अगर उसका काम बंद हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए और स्थूल देह के साथ वो सिंक्रोनाइज ना कर पाए, वो सामंजस्य ना बैठा पाए, तो स्थूल शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं ना, सारा एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर, है ना। अगर कोई भी बीमारी है तो यहाँ से ठीक हो सकती है, कोई भी अगर डिप्रेशन है तो यहाँ से ठीक हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज वो तेजस देह के साथ जुड़ा हुआ है। विज्ञान इस बात को मानता है कि कोई शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कौन सी है वो आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है। और इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस की हमें आवश्यकता है कि स्पिरिचुअल साइंस बताता है कि ऐसा क्यों है। विज्ञान मानता है कि कोई एक शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, कोई एक शक्ति है जिससे ये दुनिया चल रही है, बट कैसे चल रही है वो किसी को पता नहीं। तो इसके पीछे का ये पूरा साइंस है कि तेजस देह जो है उसका मेन जो होता है वो सूक्ष्म तेज रहा, मतलब वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे भावनाओं के साथ वो जुड़कर हमारी ऑरा जो है उसको चेंज करता रहता है। जरूरी नहीं है कि इंसान की ऑरा जो है हमेशा एक ही रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर अभी मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, अच्छे से ये स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, तो मेरा जो ऑरा होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मैं अभी गुस्सा कर रही हूँ तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं कुछ भी और किसी के प्रति नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ, तो ये सारी चीजें भी हमारे जो ऑरा है उसको चेंज करने का काम करता है। तो ये तेजस शरीर है, तेजस शरीर को हम इलेक्ट्रिकल बॉडी, इलेक्ट्रिक बॉडी भी बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है और उसके बाद बाकी सारे कार्य होते हैं, तो हमारी जो ये बॉडी है उसमें से एक ऊर्जा चार्ज होती है, वो चार्ज ऊर्जा जो करता है उसे कहते हैं तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर या फिर इलेक्ट्रिक बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। तो ये तेजस शरीर की रचना होती कैसे है? तो ये तेजस शरीर की रचना होती है एक स्पेशल अणुओं से, और ये अणु कहाँ से आते हैं? तो ये अणु आते हैं हमारी भावनाओं से, हमारे कर्म से, और उसी के साथ तेजस शरीर जुड़ा हुआ है जो बाकी सारे कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्थूल शरीर से जो भी हम क्रिया करते हैं
स्थूल शरीर से हम जो भी क्रियाएं करते हैं उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम नहाना धोना, टॉयलेट बाथरूम या जो भी खाना खाना, इन सब से आत्मा का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब का लेना देना तेजस शरीर के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जिसका ब्रेन डेड हो जाता है, या तो कोई इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है, तो स्थूल देह को पता नहीं चलता क्योंकि वो सब रूटीन चलता रहता है। उसको ना उसके बाजू में कौन है, कौन उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, या उसको अगर बेड पर ही उसका सुसु हो जाता है, उसका डेफिकेट हो जाता है, तो उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये सारे जो दुख है, और हमें लगता है कि इस शरीर को तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है वो इस परिस्थिति में, उसके अंदर की जो आत्मा है वो भयंकर दुख भोगती है। और ये दुख किसके कारण भोगती है? तेजस शरीर के कारण, क्योंकि तेजस शरीर जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तेजस शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो सारे सुख या सारे दुख जो है वो तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सुख और दुख का अनुभव करता है। और मैं की अभिव्यक्ति जो है ना, मैं नेहा हूं, मैंने ये किया, मैं इस स्टेटस पर पहुंची हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, ये मैं वाली जो अभिव्यक्ति भी है ना, स्थूल शरीर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मैं करे। ये जो मैं वाला जो भाव है वो तेजस शरीर अभिव्यक्त करता है, और ये तेजस शरीर जो हमें अभिव्यक्ति करवाता है, उससे पूरा जो आभास है, उससे पूरी जो हमारी सृष्टि है वो उत्पन्न होती है। तो तेजस शरीर जैसे ही चार्ज होता है, वैसे ही रिलेटिव में मैं जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। सो तेजस शरीर यानी इलेक्ट्रिकल बॉडी, जब हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज देनी शुरू हो जाती है, तब ये कार्य शुरू हो जाता है। अब तेजस शरीर, जो शरीर के जो पांच प्रकार है वो यहाँ बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज औदारिक शरीर। इसका मतलब कि जो शरीर है जो हमें दिखाई देता है, मनुष्य का शरीर है, प्राणी का शरीर है, तिर्यंच गति का जो शरीर है, पेड़ पौधे, मतलब जिसका भी स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं औदारिक शरीर। दूसरा है वैक्रियक शरीर, मतलब कि जो देवी देवताओं का और जो नरक का जो शरीर होता है, कि न तो वो जन्म लेते हैं न वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो सिर्फ उत्पन्न होते हैं और मृत्यु होने पर सीधा वो जैसे गायब हो जाना, जैसे पहले के जमाने में मूवीज में हम देखते थे कि देवी देवता सीधे गायब हो जाते थे, तो वैसे वो विलीन हो जाते हैं, उनका स्थूल देह नहीं होता, वो शरीर उनका नहीं होता, मतलब जन्म और मृत्यु से परे होते हैं, और इसके अंदर हड्डी या मांस भी नहीं होती है, तो इसीलिए उनको जलाना या उसको दफनाना नहीं पड़ता। ये जो है कपूर की तरह आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो देवलोक और नारकी लोक में देह स्थूल देह नहीं होता। दूसरा है लब्धि संपन्न शरीर। सो लब्धि संपन्न शरीर जो है, यानी वो किसका होता है, वो बहुत ही बड़े जो ज्ञानी पुरुष है, जो देवगण है, मतलब जो साधु संत पुरुष है, संत पुरुष मतलब कपड़ों से जो संत बने हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो शिव स्वरूप है, जो खुद कल्याणकारी है, दूसरों का कल्याण करने में सक्षम है, वे भगवान का जो शरीर होता है वो लब्धि संपन्न शरीर कहा जाता है। और वो शरीर ऐसा माना जाता है कि वहां पे शरीर नहीं होती बट आत्मा की एक ज्योति होती है, तो वैसा जो शरीर होता है वो भगवान का शरीर होता है। आहारक शरीर, यानी कि जो 14 पूर्वधारी लब्धि संपन्न जो जो भी संत पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, जो मुनि है, जो वो नहीं, पहले के जमाने में हमें पता है कि वशिष्ठ मुनि और बहुत बड़े बड़े ऐसे मुनि थे जो आराम से जाकर यहाँ पे वो धरती पर है, लेकिन उनके पास ऐसी कुछ विशिष्ट शक्तियां थी जिसकी वजह से वो देवलोक में जा सकते थे, वो भगवान के पास जा सकते थे, उनके साथ बात करके वापस आ सकते थे। तो वैसा जो शरीर है वो मुनिराज के अलावा हम जैसे सामान्य लोग नहीं बना सकते, और वो भी उसका उपयोग जो है वो कुछ क्षणों के लिए करते हैं, उसके बाद ये शरीर जो है वो भी विलीन हो जाता है। तेजस शरीर को, जो शरीर आहार को पचाने में हेल्पफुल रहता है, वो तेजस शरीर कहा जाता है,
जिसकी बात हमने अभी ऑलरेडी कर चुके हैं कि तेजस शरीर क्या होता है, कि जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, वैसे ही जब हमारे पास अगर तेजस शरीर नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो चार्ज है वो होना बंद हो जाएगा, मतलब बॉडी क्रियाशील नहीं रहेगी, हमारी जो बॉडी है वो भी काम करना बंद कर देगी। अब जैन शास्त्र में दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय ऐसे 8 प्रकार के अलग अलग कर्म बताए गए हैं। तो हमारे जो आत्मा है, हमारा जो पुद्गल है, जो शरीर है, जो हम पिछले कर्मों को लेकर आए हैं, उसके हिसाब से ये आठ कर्मों से हमसे एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली ऑडिबल, वेरी वेरी क्लियर। कर्म शरीर जो तेजस शरीर है, यदि अगर हमारा तेजस शरीर ना हो तो ये जो स्थूल शरीर है वो भी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रिक चार्जर है, हमारा मोबाइल चार्जर के बिना चार्ज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो स्थूल शरीर है उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो कहाँ से मिलता है? तेजस शरीर से। अगर तेजस शरीर ये सब करना बंद कर दे तो जो स्थूल शरीर है वो भी किसी कार्य का नहीं रहता। सो तेजस शरीर बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कर्मण शरीर, जैसे मैंने बताया कि जो 8 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, घाती कर्म जिसको बोलते हैं, घाती और अघाती कर्म, ये सारे जो हमारे कर्म है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वही कर्म का चार्ज लेकर हमारा नेक्स्ट बर्थ भी डिसाइड होता है। तो इसीलिए इसे कर्मण शरीर कहा जाता है, कि जो शरीर कर्म करता है, जो शरीर क्रिया करता है, क्रिया की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्रिया मतलब कौन सी क्रिया? शौच क्रिया है, नहाने की क्रिया है, ये सारी क्रिया जिससे आत्मा को का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कर्म जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैसा जो कार्य करते हैं, वैसे जो कर्म करते हैं, इसीलिए उसको कर्मण शरीर या कारण शरीर कहा जाता है। अब जो तेजस और जो कारण शरीर है, जो कर्मण शरीर है, वो संसारी जीव को अवश्य होता है, बिना शरीर के हम जी नहीं सकते, और शरीर के अंदर यदि तेजस शरीर ना हो तो ये सारी क्रियाएं, ये सारी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी मनुष्य है उसके पास ये दोनों शरीर होते हैं, स्थूल देह, कर्मण देह, जो सारे कर्म करता है, और उसके अंदर उसको चार्ज करने वाला उसका जो विद्युत बॉडी, इलेक्ट्रिक बॉडी जो है वो है तेजस शरीर। जन्म मरण, रोग, दुख, दर्द, सुख, ये सारा जो है वो कर्मण शरीर के पास होता है। तो हम सिर्फ जो पहले सत्र से ही कहा जा रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर नाशवान है लेकिन हमारा जो आत्मा है वो शाश्वत है, अनंत अनंत भवों से वो चला आ रहा है। अपनी शाश्वत शक्ति को, यानी हमारी जो आत्मा की शक्ति है, यदि उसे प्रकट करना है तो आत्मा के गुणों की भजना करनी होगी, आत्मा के गुणों से हमें चलना होगा। लेशिया यानी ऑरा, इसके बारे में हमें जो सर है वो बहुत अच्छे से बाद में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो अभी लेशिया है उसके बारे में नॉर्मली बात मैं कर देती हूँ, कि लेशिया अलग अलग प्रकार की, जिसको आज की भाषा में जो हम ऑरा कहते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि ऑरा कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलते रहते हैं, जैसे हमारे मन के भाव बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे ऑरा भी चेंज होते हैं। ऑरा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे पहला होता है कृष्ण लेशिया, तो वो जो है वो क्या करेगा, वैसा जो आदमी है, वैसा जो इंसान है, वो हिंसा, चोरी, झूठ, इस तरह से जो भयंकर अपराधी भाव है उसके प्रकोप से वो कंटिन्यूस उसके प्रकोप में रहता है, और हमेशा ये उसकी आदत बनती है चोरी करना, झूठ बोलना, उग्र स्वभाव उसका हो जाता है। दूसरा है नीली लेशिया वाले, कि वो लालची होते हैं,
वो कंफ्यूज होते हैं हमेशा, उन्हें खुद पता नहीं चलना कि मैं स्ट्रॉबेरी खाऊं या मैं पीच खाऊं या मैं चेरी खाऊं। तो ये नीलीलेशिया वाले होते हैं, वो ईर्ष्यालु भी होते हैं, लालची भी होते हैं। कपोतलेशिया है वो वक्र आचार वाला होता है, मतलब क्या कि उसे अच्छे या बुरे का कोई भान नहीं होता, कोई करे ऐसा तो वो वहां पे चला जाता है, कोई और अगर उसको करे कि ये ठीक नहीं है ये वाला ठीक है तो वो वहां पे चला जाता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग वो नहीं कर सकता। दूसरा है पीला, जो काफी बेटर माना जाता है, बहुत ही अच्छा है, जो अच्छे और बुरे का विवेक रखता है, दयादान करता है, और उसके जो कषाय है वो काफी कम होते हैं, और वो तपस्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वैसे व्यक्ति होते हैं। पद्मलेशिया वाले जो व्यक्ति है उसमें ये सब पीले लेशिया के गुण तो होते ही है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर करुणा भी होती है, क्षमाशील होते हैं, हमेशा दूसरों को हेल्प करने वाले होते हैं, एंड उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होता है। वो कहते हैं ना मैन ऑफ कैरेक्टर, वैसे माने जाते हैं, और सरल और शांत स्वभाव के होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा कपट लालच नहीं होता। सबसे बेस्ट है शुक्ल लेशिया वाले, कि जो धर्म ध्यान में रहते हैं, जिनका मन शांत रहता है, जो वितरागी भाव वाले हैं, जो संयमी हैं, समता भाव में रहते हैं, वो शुक्ल लेशिया वाले लोग माने जाते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, तो नॉर्मली एक आम का पेड़, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिक्चर में एक जो आदमी है ये ब्लैक कलर का जो है वो कृष्ण लेशिया वाला, वो आम को पेड़ को काटने की ट्राई कर रहा है। दूसरा है ये नील लेशिया वाला जिसने पीली धोती पहन रखी है, वो डाली काट रहा है। तीसरा है ये कपोत लेशिया वाला, वो छोटे छोटे झुमके काट रहा है। चौथा आप देख रहे हैं कि तेज ये जो येलो पद लेशिया है, तेजो लेशिया, वो सिर्फ आम तोड़ रहा है। पांचवें नंबर पर है जो पद्म लेशिया वाला, वो क्या रहा है कि नॉर्मल सिर्फ जो है वो झुमके भी नहीं एक एक करके तोड़ रहा है। और जो शुक्ल लेशिया वाला है वो तो आराम से नीचे बैठकर जो गिरे हुए आम है वो खा रहा है। दैट मीन्स कि जिनका स्वभाव जैसा होता है उनकी सोच के हिसाब से वो कार्य करते हैं और उसके हिसाब से ऑरा फॉर्म होता है। कि कृष्ण लेशिया वाला क्या करेगा, जामुन खाना है पूरा पेट ही पेड़ ही काट दो। दूसरा जो नील लेशिया वाला है वो क्या करेगा, पेड़ क्यों काटना, उसकी जो शाखाएं हैं उसकी डाली है उसी को काट लेते हैं। जो कपोत लेशिया वाला है वो क्या कहेगा, उसको भी क्यों करते हैं, उसकी जो बिग ब्रांच है उसको कट करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी जो ट्विग्स है उसी को कट कर लेते हैं। जो येलो लेशिया वाला है वो क्या करेंगे, उसको भी करने की क्या जरूरत है, पूरा का पूरा अगर हमें जामुन खाना है तो उसका जो झुमका मतलब उसका जो पूरा बंच है उसी को, एक बंच को ही तोड़ देते हैं। और पद्म लेशिया वाला क्या कहेंगे, वो भी क्या क्यों तोड़े, हम सिर्फ जामुन जामुन तोड़ेंगे और बंचेस को पूरे उसके छोटी छोटी डालियां है उसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो शुक्ल लेशिया वाला है वो क्या कहेगा, अरे ये सब करने की भी क्या जरूरत है, जो पेड़ पर से नीचे गिरे हुए है उसी को हम तोड़ के खा लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकाश के जो व्यक्ति होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वो इसी तरह से कार्य करते हैं। अब उनका जो शरीर है, उनका जो उनकी जो सोच है, उनका जो शरीर है, उसी के हिसाब से वो अपना कार्य करते रहते हैं। अब लास्ट टाइम जो हमारे मालती मैम है, मालती मैम इज प्रेजेंट टुडे, मालती मैम शायद आज नहीं जुड़े। मालती मैम ने ग्रुप में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि हम जो ये जो हिंसा चल रही है, जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है, जो ये कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही, मतलब इतना दर्द होता है कि इतना अत्याचार कैसे हो सकता है, जो टेररिज्म फैला रहे हैं, जो लोगों का सिर्फ मार काप करना शुरू करते हैं, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसमें जो इतनी हिंसा हो रही है, इंडिया में अभी ये अग्निवीर को लेकर यूथ ने सारी ट्रेन्स जला दी, सारा ये सब उन्होंने हिंसा फैलाई, अराजकता फैला दी पूरी दुनिया में, तो ये देखकर काफी दुख होता है हमें। तो बात बहुत सही है कि काफी दुख होता है, क्योंकि ये लगता है कि हमारा यूथ कौन सी दिशा में जा रहा है,
क्या थोड़ी सी भी समझ नहीं है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है, किसी के बहकावे में आकर ये सारा कार्य करना शुरू हो जाता है। और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है कि जिससे हम पूरे विश्व में शांति फैला सकें, तो ऐसी प्रार्थना है, जरूर से है, कि जो हम दादाजी जो बोलते हैं ना सुबह में, जो हमें प्रार्थना करने के लिए बोली गई है, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, प्राप्त मन वचन कायाति, कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख न हो, न हो, न हो, मतलब हमारे मन वचन काया से हम किसी भी जीव को बिल्कुल भी किंचित मात्र, इट मीन्स भी थोड़ा सा भी दुख हम प्रदान न करें, तो एक तो हम अपनी तरफ से तो सेफ साइड पर हो ही गए कि हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, मतलब हमारे द्वारा जो है वो हमारे द्वारा तो ये सब कार्य नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने कहा है, जो शायद आपको चरण, चंद्रकांत जी इनको चरण विधि दी गई है ना, वो मॉर्निंग प्रेयर प्रार्थना दी गई है ना? नहीं मैडम, चरण विधि अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नहीं, चरण विधि नहीं, वो जो मॉर्निंग प्रेयर है उसमें ये सारा दिया हुआ है ना, मॉर्निंग प्रेयर में परमानंद प्रार्थना विधि में है ये। हाँ, परमानंद प्रार्थना में दिया हुआ है ना। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है, समस्त विश्वना जीवो सुख ने पामो, शांति ने पामो, मोक्ष ने पामो। ये जो प्रेयर है वो हम कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो सुख शांति को प्राप्त हो, वो मोक्ष को प्राप्त हो। एक छोटा सा इंसिडेंस में बता देती हूँ कि एक बार एक लेडी थी, करीब 55-58 ईयर्स के आसपास एक लेडी थी। वो लेडी दादाजी के पास आई और उनसे कहने लगी कि जब मेरा बेटा रहता है अमेरिका में, और जब भी वो अमेरिका से आता है ना, मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसके आने की खबर सुनकर ही मैं एकदम ढीली हो जाती हूँ। उसका रीजन ये है कि जब भी मेरा बेटा अमेरिका से आता है वो मुझे बहुत मारता है। वो अमेरिका से आने के बाद अपनी माँ को बुरी तरह से मारता था, तो माँ रो रो के आधी हो जाती थी, और वे 2-3 महीने रहकर जब वापस चला जाता था तब उसकी माँ को शांति होती थी, और वापस जब आने की खबर ही आए ना तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। तो उन्होंने दादाजी को ये बात बताई, दादाजी ने उन्हें प्रतिक्रमण के लिए बोला कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण का सेशन हम अगले लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। सो प्रतिक्रमण करने के लिए कहा दादाजी ने, और इंटेंस प्रतिक्रमण करने के लिए कहा। करीब 1-1.5 साल के बाद वो लेडी आई दादाजी के पास और उन्होंने कहा कि अब मेरा बेटा मुझे अपनी माँ की तरह रखता है, मेरी हर छोटी बड़ी बात को मानता है, मेरे सुख का ख्याल रखता है। तो ये एक चीज होती है कि अगर हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है पर्टिकुलर इंसान के लिए, जब हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो इमीडिएट उसको पहुंच जाता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रार्थना किसके लिए करनी है, तो ये जो प्रार्थना है इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो इंसान ये वायलेंस फैला रहा है, जो इंसान ये सारे कार्य कर रहा है, वो शायद कृष्णल एशिया वाला हो, और वो भी अपने कर्म लेकर आया है पिछले भव से, और ये मान्यता है, ऐसा तो होना ही चाहिए, सालों को मारना ही चाहिए, इनको तो काटना ही चाहिए। ये जो हम हमारे जो लाइक अभिप्राय जो दे देते हैं ना कि ऐसा होना ही चाहिए, वो जो अभिप्राय है वो हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं और नेक्स्ट भव तक वो हमारे साथ कार्य करते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है कि जो जॉब करते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं, यार जॉब में तो इतनी कचकच है, बॉस की सुनो, इन सब की सुनो, पैसा मतलब सैलरी टाइम पर नहीं आती, इससे तो अच्छा है बिजनेस करे। नेक्स्ट भव में वो बिजनेस करेगा, जब बिजनेस करेगा तब सोचेगा बिजनेस में कितनी मगजबारी है, हर एक मतलब जो प्रोडक्शन हाउस वाले इसको संभालो, सेलर डिपार्टमेंट को संभालो, हर किसी को संभालो, आया तो 1 महीने में 50,000 आ जाता है, नहीं आया तो 2-3 महीने तक कुछ नहीं आता, इससे तो बेटर है नौकरी ही करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट परमानेंट एक सैलरी तो घर में आए, शांति तो सही, पूरी दुनिया का बोझ तो नहीं उठाना है हमें, अगले भाव में वापिस से नौकरी, जब नौकरी मिले तब वापस बिजनेस, बिजनेस मिले तब वापस नौकरी। तो ये जो अभिप्राय है वो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और नेक्स्ट भव में
वो हमसे ये सारा कर्म करवाते हैं, और उसी के साथ ये सारे जो शरीर है वैसे ही जुड़ जाते हैं, वैसे ही शरीर बनना शुरू हो जाता है अभिप्रायों के आधार पर, भाव के आधार पर। इसीलिए प्रार्थना हम कर सकते हैं कि समस्त विश्व के जीव सुख और शांति को प्राप्त हो, समस्त विश्व के जीव को मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं है, करुणा रखनी है लेकिन खुद दुखी नहीं होना है कि इन सबको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए या ऐसा होना चाहिए, उनके लिए भी कोई भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए। आई होप मालती जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाउ वन मिनट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मेरे मन में एक शंका आई अभी, उसका बारे में थोड़ा निरसन कर दिएगा। उसके पहले मैं थोड़ी जानकारी शेयर करूंगा पार्टिसिपेंट्स के साथ कि यहाँ जो कृष्ण लेश्या कहा गया है, ये कृष्ण का संबंध आप श्री कृष्ण से मत जोड़िए, दिस इज वेरी निगेटिव वर्ड हियर। और यहाँ कृष्ण का अर्थ है बिल्कुल काला, बिल्कुल कलूटा, इसका डिविनिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और जैसे नेहा मैम ने वो माँ बेटे का किस्सा सुनाया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये मैम जो भी कृष्ण लेश्या या नील लेश्या वाले हैं, इसका मतलब ये अपने कर्म अपना एटीट्यूड चेंज करे तो इनका प्रमोशन हो सकता है, ऐसा है क्या कि क्या ये परमानेंट रहता है? नहीं, 110% हो सकता है सर, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार जो बात की थी कि चोर है, चोरी कर रहा है, वो अपने पिछले जन्म के हिसाब से वो चोरी कर रहा है, लेकिन चोरी मजबूरी में कर रहा है और उसके मन में ये है कि चोरी मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये चोरी नहीं करनी है, मुझे पता है कि ये चीज गलत है, मुझे चोरी नहीं करनी है, हे भगवान मुझे शक्ति प्रदान करे, तो धीरे 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 वो इस दलदल से बाहर निकल सकता है। और उसका जो ये जो कृष्ण फिर नील फिर कपोतलेचा, धीरे 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 उसका कर्म शरीर भी चेंज होगा। यदि उसका कर्म शरीर चेंज होगा तो उसका तेजस शरीर चेंज होगा, तेजस शरीर उसका चेंज होगा तो उसके आत्मा के साथ जुड़े हुए जो कर्म है वो भी धीरे 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 विलीन होने लगेंगे और वो शुभ भाव में आना लगेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। तो किसी और को इस शरीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी है आभा मंडल यानी जो ऑरा, तो आई एम रियली वेरी ईगर टू लिसन टू एस के परमार सर, बिकॉज आजकल हम सुनते हैं कि ऑरा बहुत अच्छे से कार्य करती है, ऑरा अगर हमें चेंज करनी है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, किस भाव से ऑरा अगर हमारी हमें क्रिएट करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो शायद ऑरा ही काम करती है, किसी इंसान से बात करने का हमें बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कि इससे हम बातें करते ही रहे, कोई व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा या ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उससे बात करने का हमारा मन नहीं करता है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे आभा मंडल से जुड़ी हुई है और इसी के लिए आभा मंडल को ऑरा को समझना बहुत जरूरी है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं थोड़ी सी समरी देकर फिर हम परमार सर को हैंड ओवर करेंगे। आभा मंडल मैं अपनी इसमें लगभग 8 जैसी स्लाइड्स हैं ऑरा की, और ये जैन धर्म की दृष्टिकोण है, इस पर आप संक्षिप्त चर्चा कर दीजिए फिर सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी, तो आभा मंडल जो है मतलब वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे 8 जो शरीर बताए गए हैं तो उसके हिसाब से सबसे पहला तो है लक्ष्मी का तेज, मतलब हम देखते हैं ना ये ऐश्वर्या राय है, अमिताभ बच्चन है, फेस पर ऐसा ग्लो होता है, तो वो किसकी वजह से है, तो सुख शांति मतलब समृद्धि है, पैसा है, पावर है, तो उसकी वजह से जो तेज आता है वो है लक्ष्मी का तेज। जो बहुत तपस्या करते हैं, धर्मनिष्ठ है, पवित्र है, तो उनके चेहरे पर भी एक अलग तेज होता है, वो है धर्म का तेज। अब आजकल ऐसा होता है कि जो अमीर है, जो सुखी है, जो संपन्न है, वो ज्यादा धर्म कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर जो तेज है वो धर्म का तेज है या लक्ष्मी का तेज, वो तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा है विद्या का तेज, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जो पंडित है, जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तो उनके फेस पर भी एक अलग ही तेज होता है, जो विद्या का तेज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रह्मचर्य का तेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्होंने सारे कषायों को
ब्रह्मचर्य के बारे में भी हम लास्ट टाइम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि वाई ब्रह्मचर्य इज इम्पोर्टेंट। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति सारे कषायों से मुक्त हो जाता है और इसीलिए उसका जो तेज है वो अनुपम तेज होता है। और ये सारे जो तेज है, ये सारे लक्ष्मी, धर्म, विद्या और ब्रह्मचर्य, इन सभी से तेजस देह उत्पन्न होता है। तेजस से जुड़ा हुआ तो जो जिस प्रकार का तेज है उस प्रकार का तेजस शरीर उसके अंदर की ऊर्जा बनाती है। सो ये जो हमारे जो आभा मंडल किस तरह से होंगे, तो आभा मंडल इसी तरह से उत्पन्न होंगे। अब जो हमारा कारण देह है कि हमारी जो कॉजल बॉडी है, कारण देह इट मीन्स की कॉजल बॉडी, ये जो कॉजल बॉडी है वो हमारे शरीर पर आधारित है, स्थूल शरीर के ऊपर आधारित है, क्योंकि जैसा बॉडी हमें मिला है उसी के हिसाब से हम कार्य करते रहेंगे। जो अधिक कर्म वाले होते, जो बहुत 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 कार्य करते रहते हैं, उनको छोटी देह मिलती है। जैसे चींटी पूरे दिन हम देखते हैं काम करती रहती है, काम करती थी, इधर से उधर भागती रहती है, पूरे दिन काम में लगी रहती है। और जो कम कर्म वाले होते हैं उनको बड़ी देह मिलती है, जैसे कि हाथी, हाथी आराम से अपनी धुन में, अपनी मस्ती में घूमता रहता है, झूमता रहता है, उसको कोई भी चिंता नहीं होती। तो शरीर में जो कर्म दोष के कारण जो अंग, मतलब कोई भी हमारा बॉडी है जो बिलो नॉर्मल नॉर्मल रह जाता है, कि हमारी जो जो बोलते हैं ना कि शरीर के अंदर की ऊर्जा, वो भी डिफरेंट तरह की ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा, वो कोई एक अंग है जो किसी कर्म के वशात वो अंग कार्य प्रॉपरली नहीं कर पाता या बिलो नॉर्मल वो कार्य करता है, तो उसे कर्म का दोष माना जाता है और उसकी वजह से वही अंग दुख भोगता है। जैसे अगर शुगर है शरीर में, डायबिटीज किसी को है, उसके पैर बहुत दुखते रहते हैं, राइट। तो सिर्फ जब पैर दुखते हैं तो बाकी का जो शरीर है उसे कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन पैर ही वो दुख भोगते हैं, इसीलिए फिर किसी से दबवाना पड़ता है। या उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि दुख रहे हैं पैर, लेकिन पूरा शरीर जो है वो हमें काम करने में हेल्प नहीं कर पाता। तो कर्म के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा शरीर का कौन सा अंग कब दुख भोगेगा, इसीलिए कि जो पीड़ा कहाँ से आई है और ये क्यों आई है उसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कर्म से जुड़ी हुई है। और ये मैंने बहुत अच्छे से, ये जो 2 ईयर्स जो गए ना कोरोना में, मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया था, बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत माना था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पान, गुटखा सब कुछ खा रहे हैं फिर भी आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो सिगरेट भी पी रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, वो आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे व्यसनों को कभी टच भी नहीं किया है, कभी छुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है या टीबी हो जाता है। ये सब कर्म की वजह से ही होता है कि हमारा शरीर भी हमें कितना साथ देगा वो हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो जो कारण शरीर है, कारण देह है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि माता के गर्भ में जन्म से, जन्म जब लेता है और जब मृत्यु होती है तब तक का पूरा जो शरीर कार्य करता है वो कारण देह कहलाता है। जो राग द्वेष इन सबसे आकर्षित होता है, जिसको ब्यूटी से भी कंसर्न होता है, बाहर की चमड़े की आंखों से बाहर का नजारा जो भी देखा उसके प्रति अट्रैक्शन भी होता है। और ये जो स्थूल देह है दैट इज द इफेक्टिव बॉडी, वो चार्जल बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम पूर्व जन्म के जो कर्म है वो जो हम भरकर आए हैं इस जन्म में वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसीलिए इट इज जस्ट एन इफेक्टिव बॉडी, राइट। सो जो हमने कॉजल बॉडी के द्वारा जो भी हमने कर्म किए हुए थे वो इस जन्म में हमें कारण शरीर के रूप में, इफेक्टिव मतलब स्थूल शरीर के रूप में मिल रहे हैं। सो कारण दे इज इम्पॉर्टेंट एंड कारण दे वो जिम्मेदार है फॉर एनी काइंड ऑफ कर्म, आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म के लिए कारण दे इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कर्म किए उसके हिसाब से शरीर प्राप्त होता है, जो स्थूल शरीर होता है। कुछ लोग जो होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड कुछ लोग जो होते हैं दे आर नॉट सो गुड लुकिंग, कुछ लोग जो होते हैं जो अगली होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये कारण शरीर। ऐसा माना जाता है
कि जिन्होंने ज्यादा तप किए हैं, कौन से तप, आंतरिक तप नहीं, बाह्य तप, बहुत सारे उपवास करना, ये ऐसे तप करना, तो वो जो तप है उसकी उसका रिजल्ट क्या मिलता है नेक्स्ट बर में, ब्यूटी, बहुत सुंदर शरीर, अट्रैक्टिव शरीर प्राप्त होता है और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। और जब आंतरिक तप किया जाता है, यानी किसी के ऊपर गुस्सा ना करना, या किसी को किसी का संभाव से निकाल करना, या जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जाना है, 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे बस आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश 10:15 बज गए और बस नहीं आई, तो अंदर से जो हम ऊपर नीचे होते ना, बस अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई, अब मैं कैसे जाऊंगा, कहां से जाऊंगा, अरे भगवान, ये सब जो चीजें होती है वहां पे जब हम रिलैक्स रहते हैं, वो जो तप है वो भी आंतरिक तप माना जाता है, कि एट द टाइम समता भाव रखना है, कि हमें कोशिश करनी है कि बस टाइम पर आ जाए, लेकिन अगर नहीं आई है तो उसके लिए ऊपर नीचे नहीं होना है। तो ये जो कारण है, ये कारण देह हमारे साथ चलता है, और ये सब हमें जो नया हमारा शरीर है, स्थूल देह है, अगले जन्म में वो प्राप्त करने में हमें सहायभूत होता है। मृत्यु जीवन का सबसे कड़वा सच, मृत्यु, लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन सच माने तो मृत्यु से ज्यादा सुखी चीज कुछ और हो ही नहीं सकती। जब तक शरीर है, जब तक इंसान जिंदा है, उसे हर किसी चीज की प्रॉब्लम रहती है, कभी सर दुखना, कभी पेट दुखना, कभी पांव दुखना, या कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी घर में झगड़े होते हैं, ये सारी बातें होती है, लेकिन मृत्यु आने पर हम ये सारी चीजों से परे हो जाते हैं। तो मृत्यु कड़वा सच है, लेकिन फिर भी ये मेरी मान्यता है कि मृत्यु से बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मृत्यु आती है, मतलब कि हमने एक भव, पूरा एक भव कंप्लीट कर लिया और मोक्ष के एक स्टेप नजदीक चले गए। तो मृत्यु का डर ना रखे, लेकिन बस यही रखे कि जब भी मृत्यु आए तो वो स्थूल देह को छोड़कर जाने वाली है, आत्मा तेजस शरीर कारण शरीर तो उसके साथ ही जाना है, तो पाप और पुण्य तो उसके साथ ही जाना है, जो भी कार्य करना है, जो भी कर्म करना है, वो ऐसे ही करे कि जो हमें अच्छे लगते हो, जो हम अपने साथ ले जाना पसंद करें। तो आत्मा खुद के साथ कारण देह और सूक्ष्म देह को ले जाती है, और बाकी सबका जो भी है यहीं पर छोड़ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, वो तुरंत ही कहते हैं कि क्षण के 10वें भाग में वो अपना दूसरा शरीर किसी और के गर्भ में प्राप्त कर ही लेती है, जहां पर भी उसका उसके कर्म के हिसाब से मनुष्य गति, देव गति, नारकी गति, तिर्यंच गति, जो भी गति है, वो सारी की सारी गति उसकी पहले से निर्धारित हो चुकी होती है। इसीलिए जैसे ही मृत्यु होती है, स्थूल देह जैसे ही छोड़ा जाता है, इमीडिएटली नया गर्भ परिधान हो जाता है उस जीव का अपने कर्मों के हिसाब से। बहुत कम समय में ऐसा होता है कि उसका एक समय जो है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश जहां उसको जन्म लेना है वो स्थान अभी रिक्त नहीं हुआ है, तो एट द टाइम जो आत्मा है वो भटकती रहती है, क्योंकि उसे शरीर प्राप्त नहीं हुआ, जिसे हम भूत प्रेत का नाम देते हैं, जिसे हम मतलब प्रेतात्मा का नाम देते हैं। तो उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, इसीलिए कर्म के हिसाब से वो किसी न किसी इंसान के शरीर में अपनी जगह बनाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अभी जो हमारा चिंतन का जो प्रश्न था कि अतृप्त इच्छाएं किस तरह से पतन करवाती है, तो ये भी अतृप्त इच्छा एक पतन का कारण बनती है, कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई है तो वो प्रेतात्मा के रूप में भी फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करता है, और इसीलिए उसको बहुत ही मतलब पतन का कारण माना जाता है। अब चित्रगुप्त और यमराज जो है, हम ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि चित्रगुप्त हमारे सारे कर्मों का कच्चा चिट्ठा रखते हैं, हमने अच्छा किया तो चित्रगुप्त नोट डाउन करते हैं, हमने बुरा किया तो वो चित्रगुप्त नोट डाउन करते हैं। बट एक्चुअली चित्रगुप्त जो है वो एक पर्टिकुलर कोई इंसान पर्टिकुलर नहीं है, चित्रगुप्त मतलब हमारे अंदर का कारण दे जो हम खुद ही अपने कर्मों से चार्ज करते रहते हैं। आपने अच्छा किया
तो वो आपके कर्म के साथ जाएगा, बुरा किया तो भी आपके कर्म के साथ जाएगा। हमारे कर्म जिस प्रकार के है वैसे ही हमारा कारण देह चार्ज होता है और वही चित्रगुप्त है। वरना सोचिए कि एक ही दिन पर, एक ही डेट, एक ही समय पर कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हर कोई तो अंबानी नहीं बनता, हर कोई टाटा नहीं बनता, हर कोई बिरला अदानी नहीं बनता। क्या जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ होगा, क्या उसी समय पर किसी और का जन्म नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन वो उस पोजीशन पर नहीं है जिस पोजीशन पर आज मुकेश अंबानी है। तो रीजन कर्म, मुकेश अंबानी के कर्म ऐसे थे कि उसे आज टॉप की पोजीशन पर बिठा दिया है, और किसी जो उसी सेम टाइम पर जन्मे है उनके कर्म शायद ऐसे ना हो, तो हो सकता है कि वो बहुत ही खराब कंडीशन में भी जी रहे हो। तो ये सारा जो है ये सारा कर्म के आधार पर है, कारण वे जो है हमारा उसके आधार पर है। डार्विन का जो एवोल्यूशन है, उसका जो उत्क्रांतिवाद है, वो हम स्टडीज करते आए हैं। हमारे बुक में भी हमें पढ़ाया जाता था, व्हेन वी वर इन 8th-9th स्टैंडर्ड, तब हमें पढ़ाया जाता था कि इवोल्यूशन क्या होता है। लेकिन डार्विन ने जो किया वो सिर्फ स्थूल देह का किया है, विच वर सीन, इसीलिए उसको अपूर्ण माना जाता है स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से। अदरवाइज डार्विन का जो इवोल्यूशन है उसको तो बेस्ट ही माना जाता है, इसीलिए उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में उसे अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जब मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है तो वो उसके जो नेक्स्ट बर्थ है वो कौन सी योनि में जाएंगे। जैसे हमने जो बताया कि मनुष्य योनि, देव गति, नारकी और तिर्यंच गति, तिर्यंच योनि जो होती है, या फिर प्रेतात्मा, ये जो भी योनि है वो कौन सी योनि में वो जो इंसान का जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु किसकी होती है, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तेजस शरीर की या कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती, वो तो आत्मा के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो इसीलिए जो उत्क्रांति का पूर्ण और सिद्धा, और उसे सिर्फ स्थूल देह के बारे में नॉलेज था, तेजस शरीर या कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर के बारे में उसे नॉलेज नहीं था, इसीलिए उत्क्रांति का जो पूर्ण और स्वीकार्य सिद्धांत है वो नहीं दे पाए। उन्होंने जो दिया दैट वॉज द बेस्ट, लेकिन सिर्फ स्थूल शरीर तक दिया, बाकी नहीं दे पाए। अब मानव भव जो है कि हमारा मानव भव गति कर्म के हिसाब से गतियां प्राप्त होती है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नारकी की गति, और ये कहा जाता है कि अधिक से अधिक 8 पुनर्जन्म प्राप्त कर सकती है। मतलब कि कोई भी एक गति है उसमें 8 जन्म तक घूमे और उसके बाद फिर से एक बार मनुष्य गति मिलती है। वहां पर हमारे कर्म कैसे हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट गति तय होती है। वहां पर भी सेम ही गति रही तो उसके बाद वापस से तिर्यंच गति भी आ सकती है, नारकी की गति भी आ सकती है, या दूसरी कोई भी गति आ सकती है, और वो 8 बार कर ले उसके बाद फिर से मनुष्य गति प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य गति को दुर्लभ माना गया है। कहा जाता है कि देव भी इस गति को पाने के लिए, मनुष्य अवतार पाने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि देव गति में भी वो किसी कर्म को चार्ज नहीं कर सकते, इट इज ओनली डिस्चार्ज। एक ही गति ऐसी है जिसमें हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, वो है मनुष्य गति। मनुष्य गति में हम कर्म चार्ज भी करते हैं और पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं उसका डिस्चार्ज, उसका फल हम इस गति में, इस भाव में भुगत रहे हैं। इसीलिए मनुष्य गति को दुर्लभ गति माना गया है, और बहुत जरूरी है कि हमें जो मानव देह मिला है उस मानव देह का सदुपयोग करें। एंड वी आर रियली वेरी लकी कि हमें ये स्पिरिचुअल साइंस मिला है HSRC के थ्रू, जिसको समझ के अब हम अपने जो हमारे जो घोड़े की लगाम है ना, कर्म की लगाम, उसके ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं। कर्म तो हम आजीवन पर्यंत करते ही रहेंगे, कर्म करना तो हम कभी बंद कर ही नहीं सकते, लेकिन कर्म कैसे करने हैं वो हम डेफिनेटली सोच सकते हैं, अपने भाव कैसे रखने हैं वो सोच सकते हैं, हमारे नेक्स्ट बर्थ के लिए हमें प्रार्थना कौन सी करनी है वो हम सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट जन्म में हमारी ऊर्ध्व गति होगी या अधो गति,
ऊर्ध्व गति मतलब हम ऊपर की तरफ जाएंगे या अधोगति मतलब नीचे तिर्यंज गति या नारकी गति में जाएंगे, वो हमें इसी जन्म में इसी जन्म के कर्म के हिसाब से तय होता है और यहीं से कोई भी गति भी उत्पन्न होती है और यहीं से मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि भरत क्षेत्र से सीधे मोक्ष में नहीं जाया जाता, लेकिन यहाँ से अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जहाँ पर श्री सिमंदर स्वामी भगवान सदैव विराजमान है वहां पर जन्म होता है और वहां पर भी मनुष्य अवतार मिलता है और वहां पर भी कर्म के हिसाब से वहां पर वहां से मोक्ष होता है, क्योंकि जहां पर चौथा आरा चल रहा है महाविदेह क्षेत्र ऐसा धाम है जहां पे हर दम चौथा आरा ही है। यहाँ पे पंचम काल है दुष्यम काल है, लेकिन महाविदेह क्षेत्र में चौथा आरा चल रहा है जहां से मोक्ष शक्य है पॉसिबल है, इस पंचम आरे से मोक्ष पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं महाविदेह क्षेत्र और वहां से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सही रूप में जाने और समझे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वरना फिर वही जो वर्लपूल की तरह गोल 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 भवांतर में भटकते ही रह जाते हैं। सो आई होप कि किसी को कोई क्वेश्चन ना हो, अगर हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू नेहा बेन, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन इट वाज, फुली बेस्ट ऑन जैन फिलोसफी एंड आई हैड ऑल द आंसर्स टू माय कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्वेश्चंस व्हिच वी कैन नॉट आस्क टू एनीबॉडी, सो इट वाज रियली वंडरफुल। अब मैं आमंत्रित करता हूं किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो तुरंत यहां पे पूछ ले। रीता मैडम पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूं, अच्छा मैडम ने कहा कि आरव, वो आरव क्या है? आरा जो है वो एक सर्टन स्पैन ऑफ टाइम है, उसके बारे में अधिक जानकारी आपको परमानंद प्रार्थना विधि जो बुक है ना उसमें डिटेल में मिल जाएगी। एक सर्कल ड्रॉ किया है और आरा बताया है एक एक युग। आरो मतलब ओरा को मैं समझती हूँ सर, पर आरो अभी मैडम ने बताया कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आरा आरा यानी एक काल है। अच्छा परमानंद प्रार्थना विधि के बुक में आप देखिए तो आपको उसमें सभी आरा के बारे में दिखाई देगा। हेलो, आई होप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल क्लियर है साहब, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं आज बहुत टाइम के बाद आप साहब सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो अच्युतम होलिस्टिक वेलनेस करके हम संस्थान चला रहे हैं सूरत के अंदर, मैं और मेरे साथ मेरे कलीग है डॉक्टर धर्मिष्ठा जी, वो भी आज साथ में जुड़ी हुई है। हम दोनों की ओर से और अच्युतम होलिस्टिक की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं, आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो बांटने की मेरी एक कोशिश है। हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूं, जो भी अभ्यास और जो भी मुझे अनुभव जो मुझे मिला है जो समझा है मैंने उसी को ही बांटने की मेरी एक कोशिश है। तो ये जो पूरा अभी नेहा जी ने समझाया है पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा किया है, एक रिलीजन वे से और एक स्पिरिचुअल वे से भी, यही चीज को मैं साइंटिफिक वे से थोड़ा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मेरा स्लाइड शायद मुझे तो इसको समझने से पहले औरा को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एनर्जी को समझ ले कि एनर्जी है क्या। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स भी एक एनर्जी है और एनर्जी से ही सब कुछ चलता है। एनर्जी कैन नॉट
create, cannot destroy. Energy only transmit one form to another form. और ये जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसके जो मेन जनरेटर और ऑपरेटर जो है वो है हमारे फाइव एलिमेंट्स। अगर फाइव एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है, और उस इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी हमें दिखाई पड़ती है। ओके फाइन। तो जो भी एनर्जी है उसका जो मापदंड है जिसको अगर पहचानी जाए तो वो एक वाइब्रेशन है, वेव्स है, और जो वेव्स जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम जानते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइव एलिमेंट है हमारे एनवायरमेंट के अंदर वही सारे एनर्जी के जनरेटर और ऑपरेटर माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम ये पंच तत्व से ही क्रिएट हुए हैं और आखिर पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। तो यही पंच तत्व में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम उसी से ही क्रिएट हुए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी जो बॉडी है वो भी पंच तत्व से ही वैसे बनी हुई है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं वो एनर्जी को जनरेट करने का और ऑपरेट करने का कार्य हमारी बॉडी के अंदर आए हुए चक्रास करते हैं। तो थोड़ा चक्र के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 जितनी नाड़ियां हैं, 72,000 जितनी नाड़ियां हैं, और वो जो नाड़ियां जहां जहां पे एक जैसे दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे एक ऊर्जा का बड़ा स्रोत क्रिएट होता है, और जो ऊर्जा है वो एक गोलाकार शेप में घूमती रहती है, इसलिए उसको चक्रा कहा गया है। और ऐसे हमारे शरीर के अंदर ऐसा बताया गया है कि करीबन 114 जितने ऐसे जंक्शन है, ऐसे चक्रा है जहां पे ये ऊर्जा जनरेट होती है और ऑपरेट होती है। लेकिन इन सारे 114 जो चक्रा है, जो जनरेटर है, उसमें से भी मेन जो 7 जो चक्रा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए है, वहां पे मैक्सिमम मात्रा में ये ऊर्जा की चैनल है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, जुड़ती है, और बड़ी मात्रा में वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है और पूरी बॉडी के अंदर फैलती रहती है। इसलिए हम मेन जो 7 चक्रा है, मेजर जो 7 चक्रा है, उसी को ही हम फोकस करते हैं और उसी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी के हम आगे चलते हैं। अभी ये जो 7 चक्रा है वो अगर अच्छी तरीके से काम करे तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचती है, और जब सेल्स तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है तो सेल्स अपने आप में एक हैप्पी हो जाते हैं, अपना ऊर्जा का जो स्रोत है वो बाहर की ओर फेंकते हैं। वैसे अगर देखने जाए तो हमारी पूरी जो बॉडी है वो सेल से ही बनी है, एक सेल्स का ही गट्ठा है, अलग अलग शेप है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर सेल्स को हम डिवाइड करने जाए तो सेल्स आखिर जो बने हैं वो एटम से बने हैं, एटम से आगे हम चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे हम चले जाते हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं अगर अध्यात्म की भाषा में देखी जाए। तो यही जो सेल है वो अपने अंदर से जब उसको चक्रा से अच्छी मात्रा में बॉडी मिलती है, अरे एनर्जी मिलती है, तब वो अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर फैलाते हैं, बाहर की ओर वाइब्रेट करते हैं। जो हमारे बाहर के शरीर के आसपास वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है और हमारे शरीर के आसपास एक लेयर जनरेट होता है जो अभी फिलहाल आप देख रहे हो। तो वो जो लेयर है उसको साइंस के भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भी कही गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर भी बताया गया, और उसी लेयर को हम हमारी आध्यात्मिक भाषा में अगर देखने जाए तो उसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल भी कहते हैं, या प्रकाश पुंज भी कहा गया है। तो वो आखिर जो जनरेट हुआ है ये हमारे चक्रास जो मेन है उसी के माध्यम से ही निकला हुआ एक एनर्जी का फ्लो है जो हमारे आसपास एक दिखाई देता है, जिसके वाइब्रेशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये दो ही ऊर्जा जो है वही पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है।
इसलिए जिसके पास ये ऊर्जा ज्यादा होती है उसका ये लेह भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए जो भी देवी व्यक्ति है, महात्मा है, ईश्वर समान है, परमात्मा के समान है, उन लोगों का ये जो लेयर होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ होता है। ऐसा बताया गया है कि हमारा जो नॉर्मल जो पीपल होते हैं उसका ये लेयर उसकी बॉडी से 6 इंच से लेकर 8-10 फीट तक का हो सकता है। जो लोग ध्यान वगैरह में जुड़े हुए हैं उन लोगों का ये लेयर 30-30 फीट तक बढ़ जाता है, और जो ऋषि संत महात्मा है उन लोगों का ये लेयर 300-300 मीटर तक बढ़ जाता है। और आगे और भी बताया गया है कि जो ईश्वर समान है, परमात्मा के समान है, उसका ये लेयर 300-300 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। तो ये लेयर में जो भी कुछ चीज आ जाती है तो तुरंत ही उसका अनुभव हमारी फिजिकल बॉडी को और हमारी मेंटल बॉडी को होने लगता है, और हमें भास होने लगता है कि कुछ वाइब्रेशन हमारी ओर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमारे अंदर जब पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है तभी ही ये लेयर बढ़ता है, नेगेटिव ऊर्जा जब होने लगती है तब ये लेयर अपने आप में कम होने लगता है। तो ये लेयर को हम साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कहते हैं। साइंस भी ये चीज साबित कर चुका है। ये लेयर के अंदर दो प्रकार की इफेक्ट देखने को मिलती है, एक है अंदरूनी और दूसरी है बाहर से। जब हम अपने दिमाग के अंदर, हमारे हृदय के अंदर नेगेटिव क्रिएट करते हैं, दिमाग में नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, या हृदय के अंदर हम नेगेटिव भावनाएं क्रिएट करते हैं, या तो पर हमारे शरीर के अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है उसको अच्छी मात्रा में चक्रास के माध्यम से ऊर्जा नहीं पहुंचती है। तो ऊर्जा जहां जहां पे नहीं पहुंचती है तो वहां का जो ऑरा का लेयर है वो भी कट हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारे अंदर से जो मतलब में ऊर्जा नेगेटिव मात्रा में या पॉजिटिव रूप में निकलती है उसके ऊपर से हमें देख सकते हैं। दूसरी जो इफेक्ट जो हमें पाई जाती है वो है बाहर के लेयर। हमारा जो ऑरा है उसी को बाहर की ऊर्जा भी इफेक्ट करती है। कोई नेगेटिव प्लेस पे हम चले जाते हैं या किसी नेगेटिव इंसान को हम मिलते हैं, किसी नेगेटिव वाइब्रेशन में हम चले जाते हैं, तो उसकी जो बाहरी नेगेटिव ऊर्जा है वो भी हमारे पॉजिटिव ऊर्जा को इफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से दोनों साइड से अगर हम लोग देखने जाए तो इंटरनल और आउटर दोनों साइड से हमारे ऑरा को इफेक्ट देखने को मिलती है। ऑरा को कैसे बढ़ाना है, कैसे हम बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें एक लंबा कोर्स है, कभी अगर मुझे चांस मिला तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो ऑरा का लेयर है वो मेन हमारे 7 चक्रास के ऊपर जुड़ा हुआ है। अगर 7 चक्रास के ऊपर हमने फोकस कर दिया तो हम लोग बहुत ही अच्छी मात्रा में हम अपने ऑरा का लेयर को बढ़ा सकते हैं। तो मैं 7 चक्रा के बारे में भी शॉर्ट भी आपको बताना चाहूंगा और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे बॉडी में मेन जो एनर्जी के जनरेटर और ऑपरेटर है वो हमारे 7 चक्रास है। तो सबसे पहला जो चक्रा है वो है रूट चक्रा, जो हमारे हमें मूलाधार चक्र भी उसको कहते हैं हम लोग, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे आया हुआ है, टेलबोन के पास में आया हुआ चक्रा है। रूट चक्रा जो है वो हमारी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, हमें स्टेबल करता है, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करता है वो, और हमें एक लाइफ फोर्स एनर्जी भी वो देता है। जीवन की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, उसको बढ़ाने का काम हमारा रूट चक्र करता है, जो रेड कलर का है। और उस सारे के सारे जो चक्रास है उसको साउंड के माध्यम से, पर्टिकुलर वाइब्रेशन के माध्यम से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ जो साउंड है, मंत्र है, वो है लम। लम के उच्चार के माध्यम से जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो सीधे चक्रास को मिलते हैं। हर एक चक्रा की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी को वो इफेक्ट करता है, तो उसी से वो चक्रा एक्टिवेट होते हैं। मैं डीप में नहीं जाते हुए पास होते हुए निकलूंगा और बाद में एक कॉल के ऊपर मैं लेने जाता हूँ। तो मेनली जो ये हमारा रूट चक्र है वो स्टेबिलिटी के साथ, ग्राउंडिंग के साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, सर्वाइवल है, सर्वाइवल के साथ जुड़ा है, सपोर्ट हमें देता है, हमारा फाउंडेशन बेस है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ पौधा होता है, उसका जो मूल है, जो रूट होता है, वो अगर सही नहीं है तो पेड़ या पौधा अच्छी मात्रा में टिक नहीं सकता, अपना जीवन विकास उसका खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो मूलाधार चक्र है वो एक मेन मूल है, जहां से पूरी एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर की ओर फैलती है और हमें ऊर्जा देती है, चेतना देती है। इसके
बाद जो चक्रा है वो है स्वाधिष्ठान चक्रा। स्वाधिष्ठान चक्रा जो है वो हमारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑरेंज कलर का चक्रा है और नाभि से चार अंगुली नीचे आया हुआ चक्रा है, और इसी का बीज मंत्र है वो है वम, जो हमारे इमोशन, फीलिंग, रिलेशनशिप, एक्सप्रेशंस, सेक्सुअलिटी, हमारी क्रिएटिविटी, प्लेजर, एंजॉयमेंट, फाउंडेशन ऑफ द फीलिंग एंड वेलबींग के साथ जुड़ा हुआ है। ये चक्र भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही चक्र हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने के लिए आकांक्षा जगाता है, इच्छा जगाता है। यही चक्र क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो आदमी कर्म नहीं कर सकता, इच्छाएं होती है जो आदमी को कर्म करवाती है। इसलिए इस चक्र का भी एक्टिवेट होना इतना जरूरी है, और हमारे ब्रह्मांड को, हमारे संसार को चलाने के लिए भी ये चक्र बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले करता है। जो स्वाधिष्ठान चक्र जिससे कहते हैं, इससे जुड़े प्रॉब्लम होते हैं, इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है मेरे पास। तीसरा जो चक्र है वो है सोलार चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा गया है, नाभि चक्र भी उसको कहते हैं। ये चक्र हमारे बॉडी के अंदर मेन एनर्जी का स्रोत है, जहां से सारे बॉडी के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम जब माँ के पेट में होते हैं तब एनर्जी से ही जिंदा होते हैं। माँ जो भी खाती पीती है उसकी एक एनर्जी में रूपांतर होता है, और वही एनर्जी हमें मिलती है और हमारा डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर होता है। वही चक्र जब माँ के पेट से हम बाहर आ जाते हैं तो वो जो एनर्जी से जुड़ा हुआ था वो कट कर दिया जाता है, जिसे हम नाभि कट भी कहते हैं। और वही जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा फैलाने का काम करता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आध्यात्मिक साइंस में ऐसा बताया गया है कि यही चक्रा मेन चक्रा है, जो मेन ऊर्जा से जुड़ा हुआ, मेन चेतना से जुड़ा हुआ है, और शरीर की सारी सारी जो एनर्जी है, सारी एनर्जी की जो चैनल है वो यहाँ आकर मिलती है नाभि के पास। इसीलिए अगर नाभि चक्र को ही एक्टिवेट किया जाए तो पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा फैल जाती है। जैसे कि माँ के पेट के अंदर नाभि से ही ऊर्जा मिलती है और पूरा शरीर का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार इस चक्र के ऊपर भी अगर हम लोग मेहनत करें, उसको एक्टिवेट करें, तो बहुत अच्छी मात्रा में हम अपने शरीर के अंदर ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। वही ऊर्जा आगे जाकर ओरा में रूपांतरित होती है और हमारी बॉडी के बाहर अलग अलग लेयर क्रिएट करती है, जिसे हम लोग आप कहते हैं, ऑरिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा गया है। ये जो सोलार चक्र है वो हमारे विल पावर के साथ, हमारे मेंटल एबिलिटी के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी फिजिकल बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने आप को एनर्जी जनरेट करता है, और जब हमें एनर्जी अपने आप में संकुचित कर लेती है तो अपने आप वो खींच लेता है। जैसे कि हम कुछ, जैसे एक चकडोल में बैठते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं तो हमारे पेट में खड्डा सा पड़ जाता है, या ऊपर से नीचे, या प्लेन में बैठते हैं तभी भी हम लोग जब जाते हैं तो हमारे चमक के अंदर खड्डा जो पड़ जाता है, स्नायु जो खींचे जाते हैं, वो और कुछ नहीं, हमारे जो मणिपुर चक्र है वो अपने आप में एनर्जी को अंदर की ओर बैलेंस कर लेता है। जब हमें हमारी स्टेमिना से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब यही चक्र हमें एक्टिवेट एनर्जी देता है और हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम्पल तौर पर अगर देखने जाए तो हम लोगों की रनिंग की कैपेसिटी समझ लो कि मैक्सिमम हम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ये हमारी फिक्स स्टेमिना है, इससे ज्यादा हम नहीं दौड़ सकते। लेकिन अगर हमारे पीछे कोई डर आ जाए, कोई धरती कम आ जाए, कोई बॉन्ड आ जाए, या हमारे पीछे शेर पड़ा हो या सांप पड़ा हो, तो हमारे पास उस टाइम पे इतनी ताकत आ जाती है कि हम 5 किलोमीटर तक दौड़ देते हैं। तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी होती है वो यही चक्र से हमें प्रोवाइड की जाती है, जो एक्सेस एनर्जी में हमें रूपांतरित होती है। इसीलिए ये चक्र हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि चक्र एक्टिवेट होता है तो सारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये जो 3 चक्र अभी तक मैंने बताया है वो आध्यात्मिकता से नहीं लेकिन भौतिकता के साथ जुड़े हुए थे, हमारी भौतिक बॉडी से मेन जुड़े हुए थे, जिसे हम एक ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो शुरुआत होती है ये 3 चक्र के बाद, यहाँ से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। और चौथा जो चक्र है वो है हार्ट चक्र, हृदय चक्र। ऐसा अध्यात्म साइंस में ऐसा बताया गया है कि अगर इंसान को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है,
तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है उसका हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को एक्टिवेट किए बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता स्पिरिचुअलिटी के अंदर, क्योंकि हार्ट चक्र हमारे साथ दया ममता प्रेम करुणा के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान के अंदर ये चीजें अगर नहीं होती तो स्पिरिचुअलिटी में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई संत महात्मा है और उसको गुस्सा आ रहा है या उसको चिंता हो रही है तो समझ लीजिए कि उसने अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं किया है। संतों को गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि उसका चक्र डिस्टर्ब है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना है तो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर वही चक्र एक्टिवेट है तो हमें बैलेंस ऊर्जा देगा जो हमारे लव अनकंडीशनल लव के साथ, कंपेशन के साथ, रिलेशनशिप के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ और सेंटर अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चक्र हमारे आध्यात्मिक दुनिया के अंदर आध्यात्मिकता की शुरुआत के लिए एक सबसे पहला स्टेप है, सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप है ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए शुरुआत यहां से होती है आगे बढ़ने की आध्यात्मिकता की ओर। इसका बीज मंत्र है यम, ग्रीन कलर का है, जो मैंने आगे जो चक्र बता दिया उसका येलो कलर था। उसका बीज मंत्र है रम। इसके जुड़े हुए बहुत सारे डिशेज है, इसके बारे में ज्यादा अभी भी फिलहाल बात नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद जो चक्र है वो है थॉट चक्र। जो थॉट चक्र है वो हमारी सत्यता के साथ, स्पष्टता के साथ, शुद्धि के साथ जुड़ा है, उसको विशुद्ध चक्र भी कहा गया है, जो हमारे बिल्कुल गले के मध्य में आया हुआ है। हृदय चक्र जो है वो हमारे हार्ट के बीच में सेंटर में इसके पास में आया हुआ है। मणिपुर चक्र उसके नीचे आया हुआ है नाभि से चार अंगुली ऊपर। और जो थ्रोट चक्र है वो बिल्कुल हमारे गले के बीच में सेंटर में आया हुआ है, जो एक्सप्रेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, गुड सेंसेस ऑफ टाइमिंग के साथ, प्रोजेक्टिंग आइडियाज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये चक्र थ्रोट चक्र जिसका भी अच्छा होता है तो वो इंसान अच्छा वक्ता बन जाता है। अगर ये चक्र अच्छी मात्रा में काम करता है तो इंसान जब शब्द जो बोलते हैं तो उसका एक प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है, लोग उसकी बातों को मानना चालू कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल मैं आपको देने जाऊं तो फिलहाल का अभी करंट जो एग्जाम्पल है वो हमारे वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताऊंगा। इसके शब्द में भार होता है, एक वजन होता है, जैसे और भी संत महात्मा है, स्वामी विवेकानंद जी के शब्द में एक भार होता था। शब्द में जब भार क्रिएट होता है, एक प्रभाव क्रिएट होता है, तब इसका प्रभाव सारी जनमेदनी के अंदर फैल जाता है। तो ये जो विशुद्ध चक्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संसार के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने का। इसके बाद जो मेन चक्र आता है वो है थर्ड आई चक्र, जिसका ब्लू कलर है, हमारे आईब्रो के बीच में आया हुआ, इसको ब्रो चक्र भी कहा गया है। यही चक्र जो है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विंडो कहा गया, इसको थर्ड आई भी कहा गया है। अगर इस चक्र को एक्टिवेट हम कर लेते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हम एंटर हो जाते हैं, परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक बात में फिर से आपको बात करना चाहूंगा, हर एक चक्र की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपना अपना वाइब्रेशन होता है, नीचे से ऊपर तक उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने चलती है। और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ जब हमारी फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है तो उसको हम लोग मिलन कहते हैं, उसी को ही हम लोग परमात्मा के साथ जुड़ने का एक आभास कहते हैं। जब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो आद्या चक्र जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए एक एंट्रेंस है, ऐसा कहा जाता है। आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है इंसान के अंदर, तब उसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सारी चीजें पता चलने लगती है, अपने आप के बारे में पता चलता है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड से मैं यहाँ क्यों आया हूं, ये सारी चीजों का उसको नॉलेज आने लगता है। इसलिए उसको आज्ञा चक्र भी कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर ये चक्र भगवान शिव जी का ओपन हो गया था, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा बुद्धा का भी ओपन हो गया था, भगवान बुद्ध का भी ओपन हो गया था, और बहुत सारे संत महात्मा हैं जिसका ये चक्र ओपन हो गया था। मैं इस समय पे आपको ये भी कहना चाहूंगा कि परम पूज्य श्री दादाजी का भी ये चक्र ओपन हुआ था, जिसके माध्यम से आज हम लोग जुड़े हैं और ये ज्ञान पा रहे। तो ये आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो ज्ञान की वर्षा बहने लगती है, अपने आप ज्ञान आने लगता है और इंसान ज्ञान को बांटने लगता है। इसके बाद का जो चक्र है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो है वो है, इसको शास्त्र चक्र भी कहा गया है, और ये परमात्मा के जुड़ने का एक सीधा माध्यम है।
क्राउन चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो 730 हर्ट्ज के ऊपर की चलती है और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी भी इसके ऊपर चलती है। इसलिए हर एक चक्रा की फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग साउंड के माध्यम से, मंत्रास के माध्यम से, क्रिस्टल के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लगते हैं तो हम सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाते हैं और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं और परम ज्ञान के साथ जुड़ने के साथ मोक्ष की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो ये सारे चक्रास हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस चक्रास के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो हमें और भी हेल्पफुल हो सकती है, तो मैं उसके ऊपर मैं लेके जाना चाहूंगा। तो वो जो है जो चक्रास के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर से जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो सेल्स के माध्यम से हमारे शरीर के आसपास जो ऑरा क्रिएट करती है, एक लेयर जो बनाती है। मेरा जो मेन टॉपिक था ऑरा का, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो वो अलग अलग प्रकार का अध्यात्म साइंस के अंदर, चक्रा साइंस के अंदर उसको अलग अलग तरीके से देखा गया है। वैसे नेहा जी ने अभी बहुत कुछ बता ही दिया है लेयर के बारे में, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं इस तरीके से बांटना चाहूंगा, एक साइंटिफिक वे से, आध्यात्मिक वे से, दोनों का संकलन करके इसको मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसी का एक लेयर मेन बनता है। हमारी जो फिजिकल बॉडी के बाहर जो ऑरा का जो 7 लेयर है वो हमारे 7 चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। रूट चक्र से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी बॉडी के बाहर के और हमारी एक फिजिकल बॉडी बन जाती है, फिजिकल रेड कलर का एक लेयर बन जाता है। इसके बाद का जो लेयर होता है वो ऑरेंज कलर का लेयर होता है जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको एथरिक बॉडी भी कहा गया है। इसके बाद का तीसरा जो लेयर है वो हमारे मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, नाभि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद जो है हृदय चक्र, अनाहत चक्र, उसी से जो एनर्जी का लेयर हमारे बॉडी के बाहर ऑरा का जो जनरेट होता है उसको मेंटल बॉडी भी कहा गया है। और इसी के बाद जब क्रिएशन और आगे बढ़ता है तो स्पिरिचुअल बॉडी, इसके बाद कॉस्मिक बॉडी, और इसके बाद जो हो जाता है वो है बॉडीलेस बॉडी, जिसमें हमारी बॉडी नहीं रहती है, हम बॉडीलेस हो जाते हैं। तो ये जो 7 ऑरा लेयर, बॉडी लेयर को हम जानते हैं, जो पहले से ही हम लोग जानते हैं, जो हमारे चक्रा से निकली हुई ये ऊर्जा है। तो चक्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो और भी मतलब में इसको आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आत्मा सोल के 7 शरीर होते हैं और ये 7 जो शरीर है वो हमारे चक्रा के माध्यम से ही क्रिएट हुए होते हैं। अगर ये 7 चक्रों के ऊपर हम लोग फोकस करें तो हम अपने जो 7 जो शरीर है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं और उसी को भी बढ़ा के हम परमात्मा की और की यात्रा को और अच्छे से बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो शरीर है वो है फिजिकल बॉडी। हमारा जो फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी नहीं लेकिन भौतिक बॉडी उसको कहते हैं, फिजिकल बॉडी को, यही वो शरीर है जो जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देख रहे हैं वो हमारा भौतिक शरीर है। और आगे लेयर की मैं बात करूँ तो ये जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं इस लेयर को, और यही शरीर जो जुड़ा है वो हमारे मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, रूट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। 90% मनुष्य की चेतना जो होती है वो इसी शरीर पर ही आकर रुक जाती है, यानी इन्हीं चेतना तक रुक जाती है, मूलाधार तक ही रुक जाती है और बाद में शरीर उसका विकसित नहीं होता है। जो मनुष्य यहीं तक रुक जाता है वो पशुओं के समान हो जाता है, बाकी के उसके चक्र एक्टिवेट नहीं होते, बाकी का उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। जो इंसान पशुओं के समान व्यवहार करता है तो उसको हम मान सकते हैं कि उसका कुछ चक्र डेवलप नहीं है, क्योंकि पशुओं की केवल फिजिकल बॉडी ही, भौतिक शरीर ही विकसित होती है उनमें, और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसका जो व्यवहार जो होता है वो भी पशुओं की भांति होता है, इससे वो आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद का जो दूसरा जो चक्र है वो है एथरिक बॉडी, जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से निकली हुई ऊर्जा है, जो लेयर है उसको एथरिक बॉडी भी कहते हैं, जो स्वाधिष्ठान चक्र से, जिसका कलर ऑरेंज है। जो लोग फिजिकल बॉडी में अटके नहीं, यानी कि रूप चक्र तक अटके नहीं है, उनकी चेतना का स्तर एथरिक बॉडी में जाकर मिलता है, जिसे भाव शरीर में, भाव शरीर भी कहा गया है एथरिक बॉडी को, और उसका जो शरीर भाव में बन जाता है।
ये वो शरीर है जो मनुष्य के पशुओं में से अलग करता है, मनुष्य और पशु दोनों को अलग करने के लिए ये जो लेयर होता है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से क्रिएट हुआ होता है, वो दोनों को अलग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये शरीर में चेतना आकार मनुष्य के शरीर में क्षमा ये आ जाने से, अगर ये आ जाता है तो मनुष्य के अंदर क्षमा है, दया है, करुणा है, ऐसी भावनाएं क्रिएट होना चालू हो जाती है। देखो पशुओं में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती, लेकिन जब ये चक्र मनुष्य का एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर अलग प्रकार का इमोशन क्लिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि विकसित होने लगती है और मनुष्य की चेतना तीसरे शरीर की और बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। जब ये स्वाधिष्ठान चक्र का लेयर हमें बड़ा दिखाई दे या स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो इस प्रकार से हम हमारी आगे की बॉडी के लेयर को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो लेयर है वो है एस्ट्रल बॉडी, जो निहा जी ने भी अभी बताया, सूक्ष्म शरीर भी हम कहते हैं, जिसको भाव शरीर के विकसित होने पर मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो विकसित होने लगता है, यानी कि स्वाधिष्ठान के बाद ही दूसरा शरीर का विकसित होता है। ये शरीर जुड़ा है हमारे नाभि चक्र के साथ, तुला चक्र के साथ, मणिपुर चक्र के साथ। सूक्ष्म शरीर हमारे फिजिकल और भौतिक बॉडी की एक कॉपी है ऐसा हम कह सकते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि वो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है, ऐसा बताया जाता है कि भौतिक शरीर के छूटने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित होती है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर के रूप में जानते हैं या तो सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर का विकास होते ही मनुष्य के अंदर विवेक जागृत होने लगता है। जब ये मणिपुर चक्र विकसित होने लगता है तो इंसान के अंदर विवेक क्रिएट होने लगता है और उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होने लगती है। जब मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है मनुष्य बुद्धिजीवी होने लगता है और उसकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ये जो तीन चक्र है वो भौतिक चक्र है, भौतिक चक्र के एक्टिव होने के बाद ही हम अपनी यात्रा को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो है चौथा शरीर हमारा एनर्जी लेयर का, ऑरा लेयर का, और वो है मेंटल बॉडी का लेयर, जिसे हम मनोमय शरीर भी कहते हैं। यह जुड़ा है हमारे अनाहत चक्र के साथ, हृदय चक्र के साथ, हार्ट चक्र के साथ। इसी चक्र से हमारे आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की एक यात्रा शुरू होती जो मैं आपको बता गया। ये सर के माध्यम से मनुष्य में पहली बार समझ आती है कि ना तो वो मन है ना ये शरीर। इंसान के अंदर ये समझ आने लगती है जब ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है, ना तो वो मन है ना ये शरीर, तो फिर वो क्या है। यहाँ से वो क्वेश्चन उसके शरीर माइंड के अंदर क्रिएट होने लगता है और उसकी शुरुआत हो जाती है। यह जानने के लिए उसकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और जब ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो वो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। पांचवा जो शरीर है, पांचवा जो लेयर है हमारा ऑरा का, वो है हमारे विशुद्ध चक्र से क्रिएट हुआ लेयर है, जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, उसको हम लोग आत्मा शरीर भी कहते हैं, जो हमारे विशुद्ध चक्र के साथ जुड़ा है। इस शरीर से दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है। जब ये शरीर डेवलप होने लगता है, ये लेयर हमारा डेवलप होने लगता है विशुद्ध चक्र, तब हमें अपने आप एक दिव्य अनुभूति होने लगती है। यहाँ मनुष्य अपने आप को आत्मा स्वरूप जान जाता है। जब उसका विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब इंसान को इस बात का पता चल जाता है और खुद को वो आत्मा के स्वरूप में जानने लगता है। बहुत से लोग यहीं आकर रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते। तो अब ये जो हमने जान लिया कि हम कौन हैं, हम क्या है, यहाँ पे क्यों आए हैं, तो इसी की ऊर्जा जब आगे बढ़ने लगती है तो हमारा छठा शरीर के अंदर हम एंटर करते हैं, हमारे आज्ञा शरीर के अंदर, आज्ञा शरीर के अंदर हम एंटर करते हैं। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट होने से ये शरीर का ये लेयर एक्टिवेट होता है। यह शरीर जुड़ा है हमारे मेन थड़ाई चक्र से, ब्रो चक्र से। जब मनुष्य की चेतना शरीर पर आती है तो उसके भीतर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां जागृत हो जाती है। जब ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है, इसके शरीर के विकसित हो जाने पर मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को अपने आप प्राप्त करने लगता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने लगता है, और जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कि ये शरीर, ये जो चक्र है वो हम बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध का, महावीर जी का ये ओपन हो गया था। ऐसे महापुरुष इस चीज को जान चुके थे
कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये जानने के बाद उसकी जो यात्रा होती है वो आगे और बढ़ती है। और जो सातवां चक्र है वो है बॉडीलेस शरीर, यानी कि निर्माण शरीर हम उसको बोल सकते हैं, शून्य काया भी कह सकते हैं। ये जो शरीर यानी कि सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ जो हमारा शरीर है, क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ शरीर है, ये हमें मोक्ष की ओर जाता है। इसी शरीर के विकसित होने पर मोक्ष की अवस्था आ जाती है। जो हमारे बॉडी के लेयर जो हमने बताए, हमने सेवन लेयर बताए, ये पर्पल कलर का लेयर है, तो वो लेयर जब विकसित होने लगता है तो मोक्ष की ओर की यात्रा हम शुरू कर देते हैं। मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा हमें पता चल जाता है, और उसके अंदर मैं का जो भाव होता है, एक अहम होता है, वो वहां आके मिट जाता है। क्योंकि हम जब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप को एक शून्य बना देते हैं, हमारे अंदर से ये शरीर भौतिक शरीर से हम मुक्त प्राप्त कर लेते हैं। इसी को ही हम लोगों ने मोक्ष कहा है, मोक्ष के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सेवन चक्र की जो यात्रा होती है, इसी के माध्यम से ही हमारे लेयर भी क्रिएट होते हैं, वहां के लेयर भी क्रिएट होते हैं, और ये सारे चक्रास को अगर हम फोकस करते हैं तो उसी से जनरेट हुई एनर्जी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर को आगे बढ़ाती है, हमारे फ्रिक्वेंसी को सेट करती है, और हमारी जो यात्रा है भौतिक से आध्यात्मिकता की ओर, उसमें हमें बड़ा सहायक बनती है। तो दोस्तों मैंने मेरी ओर से थोड़ी बहुत कोशिश की है, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ही आनंद से शांति से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी इसी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास जो भी ज्ञान है उसको आप धन्यवाद डॉक्टर परमार साहब, इट वॉज एब्सोल्यूटली साइंटिफिक एंड ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, वैज्ञानिक दृष्टि बहुत सुंदर तरीके से, और हमें गर्व होता है हमारे एंशियंट इंडियन विजडम के ऊपर, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। प्रश्न मैं आमंत्रित भी करता हूँ, सबसे पहला प्रश्न मैं ही कर लूँ, ये जो हमारे ऑरा है सबके, क्या इसको किसी ग्लास के माध्यम से देख सकते हैं, या क्या ये दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ऑरा को हमारे ईश्वर ने जो हमें ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, कुछ लिमिटेशन पावर ही हमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर अपने पावर को बढ़ाए, हमारे आज्ञा चक्र को बढ़ाए हम लोग, तो डेफिनेटली हम उस ऊर्जा को जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कई जगह पे सुना होगा कि कुछ ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो हमें देखते ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऑरा के लेयर को पहचान जाते हैं। लेकिन अभी क्लियर फोटोग्राफी के माध्यम से हम अपने ऑरा को देख सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो हम अपने ऑरा के लेयर को देख सकते हैं, और ऑरा का जो डिफरेंट जो लेयर है, इसी हिसाब से हम लोग इंसान के अंदर कौन सी एनर्जी, कौन सा चक्र एक्टिवेट है, या इंसान का प्रकार किस प्रकार से वो मतलब में उसका एटीट्यूड होगा, या उस किस प्रकार का इंसान, वो हमें पता चल जाता है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम चलते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, तो हमारी ऑरा की फ्रीक्वेंसी भी आगे और पीछे की ओर बढ़ती है। कई लोगों से हमें मिलना अच्छा लगता है, कई लोगों को हम नहीं मिलते, कई लोगों को हाथ मिलाते, कई लोगों को हम हाथ नहीं मिलाते हैं, तो ये सब जो चीजें होती है वो हमारे ऑरा के अंदर इफेक्ट करती है। तो कई चीज फील करने की होती है, कई चीज हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए तो हम देख भी सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एक ऐसा भी गैजेट आ गया है जिसके माध्यम से ऑरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम एक गैजेट के माध्यम से देख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को माप भी सकते हैं। इतना और ही नहीं, लेकिन चक्रास की जो फ्रीक्वेंसी फिलहाल उसका परसेंटेज रेशियो भी हमें पता चल जाता है। दिस इज द ब्रिलियंट डिस्कवरी, वंडरफुल, थैंक यू सर। नेहा मैडम कुछ पूछना चाहती हैं, नेहा बेन गांधी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जय सच्चिदानंद सर, सर इट वॉज रियली वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे जो चक्रज है, ये जो चक्र है वो कभी कभी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हमारे चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना, जैसे आपने अभी बताया था कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो अगर रूटीन लाइफ में सारी नेगेटिविटीज, मतलब हम जो भी सिचुएशन में रह रहे हैं वहां पे अगर अपने हमने अपने आप के हमारे जो चक्रज है उसको बैलेंस्ड रखना है, तो किस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं?
गुड। तो हमारी जो लाइफ है वो डेली सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अलग अलग चढ़ाव उतार चढ़ाव से निकल के रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर के सरकमस्टेंसेस भी हमें इफेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर के भी सरकमस्टेंसेस इफेक्ट करते हैं। जैसे फिलहाल का जो मौसम है जो देख रहे हैं, वो बाहर का लेयर है जो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी को तुरंत ही इफेक्ट करता है। इंसान की बॉडी को जब इफेक्ट करता है तो हमारी जो बॉडी जो कफ पित्त वायु से बनी हुई है, जो मेन जो गुण है, उसी के ऊपर सीधा इफेक्ट दिखाई देता है और सीधा ही असर हमारे शरीर की एक बीमारी के रूप में हम देखते हैं उसको। लेकिन नेहा जी, जो आपने बताया, इसी प्रकार से अगर देखने जाए, जो इंसान अपने ओरा को बैलेंस करता रहे, रेगुलर इंसान अपने ओरा को बैलेंस करता रहे, अपनी एनर्जी को कंटिन्यू हाई करता रहे और ध्यान वगैरह के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कंटिन्यू अगर उसमें रहता है, तो उसका ओरा का लेयर हमेशा बढ़ता ही बढ़ता रहता है। उसमें कोई बाहरी नेगेटिविता नहीं आती है, तो उस चीज से हम बच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है अंदरूनी और बाहर की भी, कुछ खुराक भी हमें इफेक्ट करते हैं, हमारा दिमाग की जो सोच है वो भी इफेक्ट करती है, हमारे हृदय की जो भावना है वो भी इफेक्ट करती है। कि हर एक चीज दो ऊर्जा से बनी हुई है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो तुरंत ही ओरा सिकुड़ जाता है। जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ओरा अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि जो ओरा है वो भी एक एनर्जी ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों साइड से हमें देखने को मिलता है। लेकिन रेगुलरली अगर हम लोग ध्यान किया करें, चक्रास के ऊपर मेडिटेशन किया करें, तो डेफिनेटली हम लोग अपनी ऊर्जा को हमेशा बैलेंस रख सकते हैं और कंटिन्यू अपने ओरा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी एक बहुत ही अच्छी बात की थी जो हमें बताना चाहूंगा, कि कोई इंसान अगर अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को स्थित प्रज्ञ अवस्था में रखता है, तो उसको ना अंदर से ना बाहर से कोई चीज इफेक्ट कर सकती है। तो अगर हम लोगों ने ध्यान के माध्यम से अपने आप को स्थित प्रज्ञ अवस्था में करने की कोशिश करते रहे, तो डेफिनेटली हम अपने ओरा को अच्छा रख सकते हैं, लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं और बाहरी और अंदर की सारी समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, कुछ पूछने का नहीं, इतना क्लियरली सर ने समझाया है, तो ऐसा नहीं लगता है कुछ डाउट रह गए है, सब क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट। थैंक यू मैडम। वाकई में ये सेशन हमारे पास, हमने इसको लाइव किया है और जूम में भी ये रिकॉर्ड हो चुका है। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये मार्गदर्शन, ये नॉलेज बिल्कुल कई कई लोगों तक पहुंचेगा। रीटा मैडम कुछ कहना चाहती है? हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ सर, यदि ओरा हम अपनी आंखों से देखना चाहें, हम मशीन के बगैर देखना चाहें, तो हम एक बार सेमिनार में गए थे, उनमें उन्होंने पीली लाइट जलाकर हमको दीवार के सामने खड़ा रख के बताया था कि ऐसे देख सकते, तो वो क्या सत्य है? हाँ जी मैडम। हाँ सर, मैंने मैंने आपको अभी भी बताया कि ईश्वर ने हमें कुछ लिमिटेड ही पावर दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसी पावर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अपनी विजुअल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान चक्षु को हम लोग बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम सामने वाले किसी भी चीज के वाइब्रेशन को देख सकते हैं, वाइब्रेशन को अनुभव भी कर सकते हैं, और वो चीज के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जो आपको मतलब जो देखा है वो व्हाइट कलर का लेयर बताया होगा। मैं एक्चुअली रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी सभी को इस ट्रेनिंग के अंदर सारी चीजें बताता हूँ। ओरा और चक्रास के साइंस का एक बहुत ही लंबा सा हमारे प्रोग्राम है, उसमें ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करवाते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, और गैजेट जो है हमारे पास उसके माध्यम से भी हम सबको बताते हैं। तो डेफिनेटली मैडम ये हम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन उस लेयर तक हमें पहुंचना पड़ता है। अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर परमार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत हार्दिक बधाई, आपने समय निकालकर इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। ये सभी चीजें अभी शायद ही किताब में अवेलेबल हो, तो HSRC की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज अभी होस्ट जो है वो शिफ्टिंग कर दीजिए, तो हम हमारे प्रोग्राम का समापन कर सके।
होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर की तरफ से ये बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि भविष्य में भी हम इसको विस्तार से इसका एक ही सत्र बनाएं। चलो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पे समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड दोज हु मिस्ड आउट द सेशन दे कैन जॉइन यूट्यूब लिंक विल बी शेयर टू एवरीबॉडी। ठीक है ना, जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। थैंक यू अगेन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर परमार साहब थैंक्स अ लॉट वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। चलिए अगले सत्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल सर।